गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का लेसन 13 पढ़ेंगे, मानसरोवर की यात्रा। ये मानसरोवर की जो यात्रा, जो ये चैप्टर है, ये प्रस्तुत अध्याय हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री मुरारी लाल शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने मानसरोवर का सुंदर वर्णन किया है। इसमें जो मुरारी लाल जो शर्मा हैं, उन ये इस चैप्टर के ऑथर हैं, यानी लेखक हैं। उन्होंने इस चैप्टर में इस मानसरोवर की जो यात्रा है ना, उसका बहुत विवरणात्मक, मतलब मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा सुंदर उन्होंने इस चैप्टर में वर्णन किया है। लेखक ने सन 1987 के अपने यात्रा व्रत का सजीव वर्णन प्रस्तुत अध्याय में किया है। उन्होंने यात्रा करने के लिए आवेदन भेजना तथा शारीरिक जांच आदि की भी जानकारी दी है। लेखक ने वहां के सुलभ वातावरण का सुंदर वर्णन करते हुए भगवान शंकर में परमास्था दिखाई है। तो इस चैप्टर में लेखक ने बड़ा मानसरोवर की यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले, जीवन क्या है? जीवन क्या है? जन्म और मरण के बीच का सफ़र ही तो जीवन है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब इंसान बड़ा होके, बूढ़ा होके जब मरता है, तो उसके बीच का जो ये सफ़र होता है, यही जीवन है। और यह सफ़र अंतहीन है। यह कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लगता है हम पड़ाव दर पड़ाव चले जा रहे हैं अंतहीन पथ के यात्री जो ठहरे। मन में उमंग हो, दृश्य जगत के प्रति संवेदना हो और पैरों में दम खम भी हो, तो यात्रा जैसा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। यात्रानंद सबसे बढ़कर है, जो विद्यालय की ओर से प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग पर जाता रहा। मानसरोवर की यात्रा की इच्छा पता नहीं कब और कैसे मन में हृदय उदय हुई, और जब उदय हुई तो बेचैन हो उठा। लगा कोई पुकार रहा है। यह ऐसी पुकार थी जिसमें अनसुना करना असंभव था। जैसे अगर हमारे मन में कहीं जाने की एकदम से अगर क्या उमंग सी उठ जाए, तो फिर वहाँ जब तक जाया नहीं जाता ना, जब तक हमारे अंदर बेचैनी सी रहती है। तो उसमें यही था कि उनके मन में मानसरोवर की यात्रा करने की एक उमंग उदय हो गई थी। ठीक है, मन में उमंग बढ़ गई, दृश्य जगत के प्रति संवेदना भी तीव्र हो उठी और पैरों में इतना दमखम आ गया कि दौड़ लगाने को मन करे। मानसरोवर यात्रा के सारे शुभ लक्षण उपस्थित थे, किंतु इसमें प्रभूत यात्रा व्यय भी अपेक्षित था। कैलाशपति की कृपा से, यानी कैलाशपति यहाँ पे उन्होंने शिवजी को बोला है, शिवजी की कृपा से उसका भी सहज संबंध प्रबंध हो गया। वहीं बुला रहे हैं तो प्रबंध भी उन्हें ही करना था। प्रबंध ही नहीं, यात्रा की अवधि भी कुशल क्षेम का दायित्व भी उन्हीं पर था, जो उन्होंने कृपा पूर्वक निभाया। अप्रैल 1987 ईस्वी को महीना था मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों से प्रार्थना पत्र मांगने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञापन दिया। मैंने प्रार्थना पत्र भेज दिया। कुछ दिनों बाद हमें दिल्ली में राम मोहन लोहिया अस्पताल में शारीरिक उपयोगिता की जांच के लिए बुलाया गया। मतलब उन्होंने पहले तो क्या भेज दिया, आवेदन पत्र भेजा भाई जाने के लिए, फिर उन्होंने शारीरिक उनकी जांच होनी थी, क्योंकि जाने से पहले तो एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट के लिए उन लोगों को बुलाया गया। शारीरिक रूप से सर्वथा उपयुक्त पाने पर हमें यात्रा पर जाने की स्वीकृति मिल गई। एक बहुत बड़ी बाधा पार हुई, क्योंकि शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट हो गए उनके। इसके बाद केवल 2-3 दिन हमने दौड़ धूप करके विदेशी मुद्रा, वीज़ा,
प्रवेश पत्र आदि का प्रबंध कर लिया, जहाँ चाहा वहाँ रहा, उन्होंने ये कहावत बोली है। वरना ऐसा कार्य तो इतनी जल्दी नहीं होता, महीनों नहीं तो एक आधा सप्ताह तो लग जाना मामूली बात है। इसके बाद एक दिन हमें विदेश मंत्रालय में बुलाया, यात्रा संबंधी जानकारी दी गई तथा क्या क्या साथ ले जाना है उसकी बाबत बताया गया। इसकी तैयारी में हमें एक सप्ताह का समय लगा। वह 1 सितंबर 1987 ईस्वी को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:30 बजे नई दिल्ली में जनपथ पर अवस्थित चंद्रलोक नामक भवन में हम 38 यात्री अपने परिजनों की शुभकामनाएं लेकर ओम नमः शिवाय के पंचक्षरी मंत्र की ध्वनि के साथ बस द्वारा मानसरोवर और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर चल दिए। तब मन बल्लियों उछल रहा था। परिजन के विछोए आघात एवं दुर्गम स्थान से साकुशल वापस आने की कुशंका दुर्लभ दृश्यों को देखने की असीम उत्तंष्टा हृदय की उस अवस्था का अनुमान लगाना कठिन था। हम उस स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे जहाँ जाने का कम से कम मेरे लिए तो यह प्रथम और अंतिम अवसर था। अंतिम इसलिए कि बार बार जाना कहाँ संभव होता है। मुझे स्वयं अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो रही थी। दिल्ली से चलकर हम यात्री विश्राम के लिए बागेश्वर रुके। बागेश्वर से हम प्रातः 5 बजे धारचूला के लिए रवाना हुए। दिन भर यात्रा करने के बाद शाम के लगभग 4 बजे हम धारचूला पहुँचे। यह स्थान काली नदी के किनारे बसा हुआ, आधा भारत में और आधा नेपाल में। वहाँ हमने रात्रि विश्राम किया। धारचूला से हमें तवाघाट पहुँचे। अगले दिन तवाघाट से हमारी पद यानी पैरों से चलने वाली यात्रा शुरू हुई। यह सितंबर की तीसरी तारीख थी। उस दिन हम कोई 15 किलोमीटर चले, क्योंकि चढ़ाई दुर्गम थी और पहले दिन ही थकान मोल लेना कोई बुद्धिमानी की बात ना थी। इस प्रकार हम प्रतिदिन चलते और विश्राम करते 9 दिन तक निरंतर आगे बढ़ते गए। दुर्गम पर्वत पथ, ऊंची चोटियां, गहरे गड्ढे, सुरभ्य वृक्षावली, विचित्र पक्षी और तन मन को शीतल करने वाली वायु तथा आँखों में हिमाच्छादित कैलाश पर्वत के सपने अद्भुत मन स्थिति थे। परिचित संसार पीछे छूट रहा था। अपरिचित संसार में से गुजरते हुए एक और स्वलीन संसार की ओर आगे बढ़े रहे थे। हम सितंबर की 11वीं तारीख को हम भारत और चीन की सीमा पर स्थित लीपू दर्रे पर पहुँचे। यह स्थान समुद्र तल से 17,500 फुट ऊंचा है। 11 दिन तक निरंतर चढ़ाई करते रहना स्वर्ण रोहण से कम तो नहीं। यहाँ तक तो साकुशल आ पहुँचे, आगे भी कुशल रहेंगी ऐसा विश्वास था। अब तक हम अपने देश में ही विचरण कर रहे थे, अब हम चीन देश की सीमा में चलेंगे। चीन देश की सीमा मानसरोवर हमारा पवित्र तीर्थ, कैलाशपति हमारे आदि देव और कैलाश शिव की तपस्या भूमि, जिसकी साक्षी पुराण दे रहा है, कालिदास का साहित्य दे रहा है, इतिहास दे रहा है। आज वही तीर्थ स्थान चीन की सीमा में सोचकर मन कड़वा हो आया। लेकिन शिव की विश्वव्यापी देवता हैं, जहाँ प्राणी मात्र के प्रति कल्याण भावना है वहीं शिव है। जहाँ विष और अमृत में
समतव है, वहीं से वह। जहाँ स्वयं को कष्ट देकर दूसरों की प्राण रक्षा की जाए वहीं से वह। और जहाँ शिव है कैलाश मानसरोवर भी वही है। यद्यपि सत्य तो यही है कि किंतु यह भी कटु सत्य है कि आज हमारा यह तीर्थ क्षेत्र हमारे अधिकार में नहीं है। चीन सीमा पर चीनी अधिकारियों ने हमारा स्वागत किया, चीनी कूलियों ने हमारा सामान उठाया, टुटाओ पर लाद लिया। अब हम गंतव्य की ओर बढ़े, कुछ दूर पैदल, कुछ दूर टटुओं पे और कुछ दूर बस तथा ट्रक में। मैंने सारे रास्ते पैदल चला। तो उन्होंने अपनी ये सुंदर यात्रा का वर्णन देखिए करते जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे पहुँचे, उन्होंने रास्ते में क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, इन सारी चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। टुट में भी तो जान है और तीर्थ यात्रा में अपनी काया भले ही कष्ट उठाए, अन्य जीव को कष्ट देने से यात्रा का पूर्ण क्षीण नहीं होता। पंचधारी मंत्र का जाप करते आगे बढ़ते हम तत्लाकोट स्थित पुनन विश्राम गृह पहुँचे। यह स्थान लीपू दरे से कोई 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सीमा अधिकारियों ने हमारे प्रवेश पत्र, वीज़ा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, नाम, धाम आदि की जांच की। आगे हमारा सिक्का नहीं चलता था, अतः हमें अपने रुपयों के बदले चीनी युआन लेने पड़े। अपने रुपये के बदले हमें अमेरिकी डॉलर मिले थे। इन अमेरिकी डॉलरों के बदले हमें उसी मूल्य का युआन लेना पड़ा और हमें चीनी धरती पर 14 दिन ठहरने के लिए उन्हें 480 अमेरिकन डॉलर के मूल्य की राशि देनी पड़ी। कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन के लिए आय का स्रोत बन रही है। अब हमारा यात्री दल दो भागों में विभाजित हो गया। एक दल मानसरोवर की परिक्रमा को निकला, दूसरा कैलाश की। मैं पैदल दल में था। हमने 13 सितंबर को मानसरोवर की 110 किलोमीटर लंबी परिक्रमा प्रारंभ की। आहा, कितनी विशाल झील, नीला कंच, स्वच्छ जल देखकर मन तन मंत्रप हो गया। ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को शायद फिर कभी ना मिले। मतलब वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मानसरोवर की परिक्रमा के लिए हमें 3 दिन मिले थे। सब सुविधाएं होते हुए भी मैंने पैदल ही परिक्रमा की। 16 सितंबर को हम जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। 17 तारीख को विश्राम का दिन था। उसी दिन मैंने मानसरोवर में स्नान किया। जल इतना शीतल था जैसे बर्फ। डुबकी लगाते ही ऊपर निकले कि शरीर में अद्भुत ताजगी महसूस हुई। स्नान का आनंद क्या होता है वह वही अनुभव हुआ। मन ही मन गर्म पानी से ना नहाने की प्रतिज्ञा की और शिव की कृपा से अभी तक तो निभ रही है। अगले दिन 18 सितंबर को हम बस द्वारा 80 किलोमीटर दूर तारचीन नामक स्थान की ओर रवाना हुए। तारचीन से ही कैलाश शिखर की परिक्रमा आरंभ होती है। इस परिक्रमा की दूरी अपेक्षाकृत कम है किंतु मार्ग दुर्गम है। बीच में लगभग 20,000 फुट ऊंचा दो लंबा दारा पार करना पड़ता है। याक की सुविधा होते हुए भी पैदल चलना ही उचित समझा। याक पर सवारी शिव शिव मेरी भक्ति भावना ने मुझे धिक्कारा। हमने भक्ति भावना से कैलाश पर्वत की पूजा की। मुझे तो कैलाश शिखर ही दिगंबर शिव जैसा प्रतीत हुआ। नागेंद्र राय भमश्वर दिगंबराय शिव परिक्रमा पूरी करके आ पहुँचे। फिर सारे यात्री अगले दिन तत्लाकोट आ गए। अब केवल घर लौटना था। 1 अक्टूबर 1987 ईस्वी को ठीक एक महीने बाद हम सब साकुशल दिल्ली आ पहुँचे। हमारी
त्रिदल में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, बंगाल, बिहार, हरियाणा लगभग सभी प्रदेश के यात्री थे। यहाँ क्या अद्भुत संगम था, ऐसी अनुपमा भावात्मक एकता थी। और अब तो हम दिव्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतपोत थे। भगवान शिव की विश्वव्यापी विभूति का दर्शन करके जो लौटे थे, हाँ हम शिव की विश्वव्यापी विभूति के दर्शन करके लौटे थे। जगत के कोलाहल से दूर निर्जन और एकांत, चारों ओर नंगे सूखे पहाड़, छाए छाए करती हुई हाड़ कांपने वाली तेज हवा, एक महान शमशान सा दिशा विस्तार जैसा अद्भुत स्थान चुना है। ब्रुत भयंकर प्रलयकर देवाधिकादेव दिगंबर गंगाधर ने यात्रा के दौरान अद्भुत दृश्य देखे, विचित्र अनुभव हुए, लगा मन बंधन मुक्त हो रहा है, वह फिर बंधनों से में फंस जाए ये दूसरी बात, तब तो साक्षात मुक्ति के दर्शन कर लिए थे। यात्रा के फलस्वरूप वजन कम हो गया, जो इस आयु में एक शुभ चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं। आयु में एक शुभ चिन्ह, गर्म पानी से स्नान करने की आदत से मुक्ति मिल गई है और चाय से पिंड भी छूट गया है। इतनी उपलब्धि कम तो नहीं, यात्रा के इस सुफल से मुझे अमित संतोष मिला। हाँ एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। संसार के जंजाल से छुटकारा, कुछ दिन मुक्त अवस्था का आनंद कौन हतभाग्य लेना ना चाहेगा। और विवश भर कैलाशपति सदाशिव ने बुलाया तो फिर अवश्य जाऊंगा, सिर के बल लपका जाऊंगा, ओम नमः शिवाय करके उन्होंने इस चैप्टर को, इस वहाँ की यात्रा को बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।